हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे एकदम सूखा और चटपटा, बहुत ही आसान ये आलू और गोभी की सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी होती है अगर इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं ली हूँ यहाँ आलू, देखिए मैं इस तरीके से क्यूब्स में कट कर ली हूँ। कड़ी पत्ता ली हूँ, दो टमाटर ली हूँ और गोभी, और एक मीडियम साइज का प्याज ली हूँ। तो इसे रख देते हैं साइड में। तो पहले मैं टमाटर को कट कर लेती हूँ। टमाटर का पेस्ट नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़े टुकड़ों में चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर को कट कर लेते हैं। तो अब मैं रख देती हूँ गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी होती है। आप वैसे जो खाते हैं कुकिंग तेल वही ले सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ जीरा, जीरा तड़कने देंगे। अब मैं डाल देती हूँ इसमें कड़ी पत्ता। तो इस सब्जी में कड़ी पत्ता ज़रूर से ऐड करें, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और 3 सूखी मिर्ची ऐड कर दी हूँ। तो कड़ी पत्ता और सूखी मिर्ची, जीरा तड़क चुके हैं, तो उसमें मैं डाल दी हूँ एक मीडियम साइज़ जो मैं आपको दिखाई थी प्याज। तो इसे भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए ये भून चुका है। तो आलू भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देती हूँ मैं। और मेन बात इसमें जो है, इसके तड़के से ही बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो यहाँ मैं स्वाद के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दी हूँ, लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड कर दी हूँ। मैं हरी मिर्ची का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दी हूँ। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ मैं, और इसमें पानी मैं नहीं ऐड करूँगी। ये अच्छे से स्लो फ्लेम पर ही कुक होगा तो बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होगा। तो हमने इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन लगा के और स्लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन के तैयार होगा। तो देखिए इसमें पानी भी मैंने ऐड नहीं की हूँ। तो 5-7 मिनट बाद देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। बस 5 मिनट के लिए मैं इसे और रखूँगी कि अच्छे से ये कुक हो जाए। और देखिए आलू बराबर ये पक चुका है। तो अभी मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। और इसमें मैंने हरे धनिए के पत्ते भी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसे डिश आउट करके आप लोग को दिखाती हूँ कि देखिए कितना टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी हुआ है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। ज़रूर से एक बार आप इसे ट्राई करें। और हमारी रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनी है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर वॉचिंग।